सो है व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं बताने वाला हूं कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि हम में से काफी सारे लोगों को ये नहीं पता रहता है कि YouTube पर वीडियो को अपलोड कैसे किया जाता है, उसकी फुल प्रोसेस क्या रहती है जिससे कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए और उसके ऊपर कुछ हमारे को व्यूज भी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या गलती करते हैं कि वीडियो को हर कहीं से अपलोड कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बेस्ट चीज बताऊंगा कि या तो आप लोग गूगल क्रोम के अंदर से अपलोड करें या फिर आप लोग यूट्यूब का ऐप ओपन कर ले, इसी के अंदर से आप लोग जो वीडियो को अपलोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना चैनल को यहाँ पर जो है ओपन कर लेना, और जब आप अपने चैनल को ओपन करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर लोगो दिखाई देगा। उसके बाद में आप सभी जनों को नीचे की साइड में यहाँ पर जो प्लस का आइकन है ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन इस तरीके से लिखे हुए आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट शॉर्ट, उसके बाद में अपलोड, यहाँ पर जो वीडियो का ऑप्शन आएगा गो लाइव और क्रिएट पोस्ट। तो हमारे को क्या करना है, अपलोड वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर हमारी एक बड़ी वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो है, तो अपलोड वीडियो के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आपकी जो वीडियो है वो आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस वीडियो को मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ के सामने जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, आपको जितनी वीडियो चाहिए उतनी आप लोग यहाँ पर करके जो नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक कर देना। तो मैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है, नीचे की साइड में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, हमारे को इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज में नहीं लेना है, सीधा हमारे को आ जाना है इस नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अब हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, डन का ऑप्शन। तो डन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है। तो जैसे हमारी जो वीडियो है वो नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक हो जाएगी, यहाँ से हमारी वीडियो जो है अपलोड हो रही है। अब आप सभी जनों को क्या करना है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जब भी प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से शुरू हो जाएगी। सबसे ऊपर की साइड में आप लोगों के सामने लिखा हुआ आएगा टाइटल का, तो आप सभी जनों को अपनी वीडियो का यहाँ पर जो है एक टाइटल दे देना है। तो आपको अपनी वीडियो का जो भी टाइटल है वो आपको देना है, कहाँ से देना है वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। उसके बाद में आपको जो विजिबिलिटी है इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को रखनी है अनलिस्टेड के ऑप्शन के ऊपर ही, क्योंकि यहाँ पर आप इसको पब्लिक कर दोगे तो वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो अपलोड होते ही पब्लिक हो जाएगी, लोगों तक तो पहुँच जाएगी। तो आप इसको क्या है, बेटर अनलिस्ट के ऊपर ही क्लिक करके यहाँ पर रखो। फिर यहाँ पर जब मैं इसको बैक कर लेता हूँ, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि नीचे की साइड में अगला जो ऑप्शन आने वाला है, लोकेशन आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। और ऑडियंस आप लोग यहाँ पर नो कर देना। यहाँ पर जो है दो ऑप्शन लिखे हुए आएंगे, एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा यस का, क्योंकि यस आप लोग यहाँ पर करोगे तो सिर्फ किड्स के पास ही जाएगी, नो के ऊपर करोगे तो किड्स के पास में भी जाएगी और उससे ऊपर के लोगों के पास में भी जाएगी, इस पर आपको ज़्यादा व्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन ऐसा कैसे रखना है, नीचे भी ऐसा कैसे रखना है, और सीधा यहाँ पर जो अपलोड यहाँ पर लिखा हुआ है इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जबकि वीडियो वो तो अपलोड होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब जो मेन चीज़ है इसी को अपलोड करना नहीं कहेंगे। यहाँ पर मैंने जैसा कि एक स्टेप छोड़ दी थी, मैंने आपको बताया था कि मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनी उस टॉपिक को आपको यहाँ पर सर्च करना रहेगा। जैसे कि आपकी वीडियो बनी हुई है, सर्च के अंदर जाना है, आपकी वीडियो बनी हुई है कि भाई सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाएं, तो आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि भाई सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो आप लोग यहाँ पर सर्च करना 1000 सब्सक्राइबर, तो नीचे की साइड में आप जैसे 1000 लिखा और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो आना शुरू हो गई है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को सजेस्ट करा है 1000 सब्सक्राइबर कैसे करें, 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, 1000 1000। तो हमने जैसे ही 1000 लिखा, यानी कि ये हैशटैग काफ़ी अच्छा है, यूट्यूब ने बहुत जल्दी पकड़ लिया है। हमने जैसे 1000 लिखा और जो हमारे को चीज़ चाहिए थी वही चीज़ यहाँ पर आ गई। तो हम क्या इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे को कुछ इस तरीके से सारी की सारी वीडियो दिखाई दे रही है। तो आप सभी जनों को भी क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 1000 सब्सक्राइबर एक दिन में कैसे पूरा कर, इस टाइटल को कॉपी कर लेना है और इसी को आप लोगों को टाइटल को जो YT स्टूडियो के अंदर आने के बाद में YT स्टूडियो के अंदर जो आपकी वीडियो अपलोड हो रही है उसके ऊपर भी आप लोगों को सेम चीज़ यहाँ पर जो अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ अपने YT स्टूडियो को, YT स्टूडियो को जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। अब हमारे को यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम अपनी वीडियो के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो वो जो मैंने आपको टाइटल बताया है उस टाइटल को आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कर देनी है ओपन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पर ओपन कर दिया है। इस वीडियो को ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने टाइटल बताया जो कॉपी करना उस टाइटल को आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद में आप लोगों को अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है और अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको इस तरीके से पूरा फुलफिल कर लेना है। टाइटल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट पर पेस्ट कर देना, कुछ हैशटैग डाल देना थोड़े बहुत, उसके बाद में आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफिल कर लेनी है।
यहाँ पर पूरे 5,000 वर्ड डालने हैं, आप चाहो जितने वर्ड डाल लेना, और मेरे राय मानो तो कम से कम 500 से ऊपर या फिर 600-700 से ऊपर वर्ड डाल दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 5,000 पूरे भर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में वीडियो पूरी तरीके से अपलोड हो जाए तो एक थंबनेल बना लेना कुछ इस तरीके से एकदम अच्छा, जितना अच्छा थंबनेल होगा उतने ज़्यादा व्यूज़ गिरेंगे, क्योंकि इस फोटो को देखकर ही लोग वीडियो के ऊपर क्लिक करने वाले हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आ जाना है, पब्लिक सेलेक्ट कर लेना है और अपनी वीडियो को नेक्स्ट यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी, और ये रहेगी पूरी कंप्लीट वीडियो अपलोड करने की प्रोसेस। ऐसे आप लोग अपनी वीडियो को प्रोसेस करोगे तो आप लोग काफी ज्यादा व्यूज मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने अपनी वीडियो को कर दिया अपलोड, 1 से 2 दिन के बाद में आपको क्या करना है, अपनी वीडियो के नीचे एक ऑप्शन आएगा जिस पर लिखा हुआ आएगा गो टू वीडियो एनालिटिक्स, तो इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऑप्शन लिखे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब सर्च, तो ये ऑप्शन आपको 2 से 3 दिन के बाद में देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इस ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। और यहाँ पर जब भी YouTube की कुछ सर्च टर्म्स दिखाई जाएगी, जैसे कि अभी तो इस वीडियो को हमने जस्ट अपलोड किया है तो 1 दिन ही हुआ है तो ये पूरे सर्च टर्म्स नहीं बता रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद में यहाँ पर यूट्यूब सर्च बताने लग जाएगा कि लोगों ने क्या क्या सर्च किया है उससे हमारी वीडियो यहाँ पर यूट्यूब ने सजेस्ट करी है, तो वो जो सर्च में सर्च चीज आएगी उनको आपको कॉपी करना है, उनको भी टेक्स्ट के अंदर डाल देना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देना, हैशटैग भी बना लेने हैं, उससे आपकी वीडियो के ऊपर 2 से 3 दिन बाद में आपको और ज़्यादा व्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी वीडियो और ज़्यादा वायरल होने लग जाएगी। तो भाई साहब कुछ इस तरीके से वीडियो अपलोड करोगे तब जाकर ये कहा जाएगा कि यूट्यूब के ऊपर एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों ने वीडियो अपलोड करी है, फिर आपकी वीडियो कहीं पर रुकने वाली भी नहीं है और आप लोगों को भरपूर व्यूज भी मिलने वाले हैं।